ये क्या हो गया। ये वाले पैड्स हैं उस वक्त, अभी ये डिस्क इसके दरमियान जाने ही लगाते हुए, हाँ जी वो बंद हो जाएगी रास्ता और ये डिस्क इसके बीच में नहीं जाएगी। याद भाई आप शुरू करें ना काम, आपको जिसके लिए बुलाया। आप बताएं ना, आपने बुलाया है मुझे, आप करें ना शुरू, बताएं लोगों को क्या हो रहा है। हर दफ़ा मैं ही शुरू करूँ, थक गया मैं। आप शुरू करें फिर मुझे बताएं। व्लॉग शुरू करके, हाँ आप शुरू करें। वीडियो बन रही है, आप शुरू करेंगे। वीडियो बन रही है, आप बताएंगे कि क्या हुआ है। ये मैं डाल रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ आप बताएंगे कि क्या हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आवाम इकट्ठी हुई हुई है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मास्क पहन के सारा कुछ किया जाए। पसीने की हालत आप देख रहे हैं। इजाज़त, सबसे पहले तो पिछली वीडियो पे थोड़ा सा फीडबैक दें, ठीक है, कि लोगों का जो उसके ऊपर कमेंट्स थे उसको पढ़ के आपको कैसा लगा। हाँ प्लेजेंट सरप्राइज था हसन भाई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक घंटे की वीडियो और उसमें एक आप जो है ना FSC और मैट्रिक के फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दें राइडर्स को, तो वो सुनेंगे या फिर। लेकिन ये एक जाता है हसन भाई आपके फॉलोअर्स को, कि जो आपकी कम्युनिटी है जो आपको फॉलो करती है, तो ये उनको ही क्रेडिट जाता है कि आपके जो लोग हैं जो फॉलोइंग है वो इस तरफ भी है, आप कह लें इंटेलेक्चुअल भी है, समझना भी चाहती है, हाँ, और पॉजिटिव भी है। तो अगर ये चीज़, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये अपना कंटेंट में किसी भी चैनल पे लगाता तो वो इस तरह का फीडबैक आता, ठीक है, कंटेंट तो यही रहता लेकिन वो शायद फीडबैक ये ना। तो ये राइट प्लेस राइट टाइम, हाँ राइट इंफॉर्मेशन, वो चली गई, सब कुछ राइट चल रहा था। तो और वो थोड़ा सा इनफॉर्मल था तो मेरे ख्याल से वो थम्स अप बेस्ट हो गया। ओके जाज भाई, आज हमने क्या करना। हाँ जी हसन भाई, आज ये मैंने अपनी बाइक के लिए भी और आपके फ्रंट टायर के लिए जो ट्यूब वाला है उसके लिए पंचर फ्री ट्यूब्स मंगवाई हैं, ठीक है, और जो कि क्राउन ने लॉन्च किए हैं। ये ट्यूब हैं, प्री फिल्ड हैं, ये बेसिकली लिक्विड से, एक लिक्विड से, ठीक है, जो कि बाहर से अवेलेबल भी होता है लेकिन ये इन ट्यूब में प्री फिल्ड आ रहा है। और ये जो है कहते हैं कि से पंचर नहीं होगा, ये पंचर फ्री ट्यूब के नाम से ये इन्होंने लॉन्च किया। हाँ, पहले मार्केट में हम देखा करते थे कि ऑनलाइन मिलते थे वो, हाँ वो फ्लूइड्स मिलते थे जो हम इसके वॉल से अंदर डाल देते थे ट्यूब के अंदर, हाँ, और जो है वो उसको पंचर को बचा लेती थी। अब ये जो है इसके अंदर प्री फिल्ड है ये, इसमें आप हल्का सा करेंगे ना, इसमें एक जेल टाइप का सा लिक्विड आपको फ्लो करता महसूस होगा। अच्छा इंटरेस्टिंग। तो ये यहाँ से मुझे नहीं मिल रही थी, फिर मैंने ये उनके ऑनलाइन मंगवाई कराची से सही है ये। हम अभी इसको यूज़ करेंगे और अभी हम आपको रिकमेंड कैसे कर सकते हैं कि अभी हमने यूज़ ही नहीं की। एग्जैक्टली, हम इसको यूज़ करेंगे, हम देखेंगे। मेरा जो अगला टायर है एजाज भाई के भी, जो आगे वाला टायर है वो ट्यूबलेस नहीं है जी। हाँ, तो हम हमारे पिछले टायर ट्यूबलेस हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम अगले टायर को किस तरह बुलेट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका नज़र आया एजाज भाई को, मैंने कहा कि भाई मेरे लिए भी ले लें और रूनुमाई कर दें इसकी। बाय द वे दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड कंटेंट। जब भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट हुआ ना तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट। ये फटेगा, आपको महसूस हो रहा है? हाँ वजनी है, ठीक है ना। यस, तो इसके अंदर बस एक चीज़ है कि वो ये कहते हैं कि इसके अंदर 30 पाउंड से ज़्यादा हवा नहीं भरवानी आपने। ओके ठीक है, तो ये ट्यूब है और इसको अभी हम रखते हैं, अब हम अगला टायर खोलेंगे। ओके, अगले टायर खोलने के लिए हमें जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो 19 स्पैनर इस साइड के ऊपर, ठीक है, और 16 उस तरफ होगा, 17 इस तरफ। इसको सिर्फ आपने पकड़े रखना है, हाँ, इसको आपने खोलना है या एंटी क्लॉकवाइज खोलना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप इजी पीजी, उसको मैंने सिर्फ होल्ड करने के लिए पकड़ा हुआ साइड से, यस, नहीं तो वो भी घूम जाएगा, हाँ, क्योंकि वो स्टड है, पूरा बोल्ट है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, हाँ, तो ये नट है। अच्छा, ये मोस्ट एसेंशियल टूल्स हैं ये दोनों जो हैं आपने पकड़े हुए, हाँ, ये है 18-19 का पाना, ये 17-16 का और ये 17-16 का, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं ये टायर निकालूंगा ये बाइक नीचे आएगी, हाँ ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, और भी चीज़ तो नहीं है, और
गुड टू गो। ये वाला जो स्पीड का सेंसर है ना यहाँ पे गिरारी लगी हुई, ये हल्की सी निकलेगी, इसको हम संभाल लेंगे। ठीक है, आपको हेल्प चाहिए? अभी नहीं। ये देखें कैसे चला गया, और ये बाइक जो है अब फ्री हो गई है बाइक। तो पीछे आपके डब्बे में कुछ चीज़ें पड़ी हैं? नहीं, तो फिर बाइक नीचे की नहीं आ रही। अब ये हम इसका टायर लैदा हो गया, अब इसको हम इस डिस्क की तरफ नहीं रखना, इसको दूसरी तरफ रखना। ठीक है, ठीक है, डिस्क की तरफ नहीं रखना, नहीं रखना। ओके, डिस्क डैमेज हो जाएगी। यस, प्रोबेबिलिटी है। यस, बातों की कहानियाँ चला रहे हैं पीछे फुल। नहीं, ये फ्री में नहीं हुआ था, टिकट मिला होता जिनको देखने का। ये हमारी लाइव ऑडियंस है आजकल, ट्रिप्स की बातें हो रही हैं। ये जो कपल बैठा हुआ है, ये हार्डकोर कपल है। इन्होंने डर्बी पे किया हुआ है, टूर किया हुआ है, और जीएस के ऊपर जो है वो रति गली की हुई है। जीएस पर रति गली और डर्बी पे नूरी टॉप, दोनों ने एक ही बाइक पे। इनकी जो स्टोरी है ना, इनकी जो स्टोरी है वो मैंने शेयर करनी है। वो मेरे पास रिकॉर्ड हुई हुई है सारी, इनका इंटरव्यू, लेकिन वो अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा। ओए हो, तो जैसे ही मौका मिलेगा हम वो स्टोरी शेयर करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग विद एविडेंस इनके टूर्स की वीडियोस के साथ। ओके, अब ये जो ढकना था ना, आग वाले ढकने में वो नहीं था वॉल ओपनर। Okay. मैंने उस जो ट्यूब के साथ जो वॉल ओपनर आया था, उस ढकने से मैंने उसको उल्टा करें तो वॉल ओपनर होता है, वॉल ओपन कर लिया। अब इस वक्त जो है ना, ये दोनों चीजें साइड पे कर दें, और इनको आपने महफूज रखना है, कभी बाहर खोलें तो, बाहर खोलें तो पॉकेट में डालें, ग्रेवल में इधर उधर हो जाएंगी, फिर आप फंस जाएंगे, मिट्टी में नजर नहीं आएगी। अब इस वक्त जो टायर खुल गया, इसमें हवा नहीं है ट्यूब के अंदर। अगर ये जो है इस वक्त तो आप इस पे खड़े होंगे तो ये जो है ना अलहता हो जाएगा। अगर ये बड़ी बाइक है तो फिर आप क्या करें, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आए, फिर छत से नीचे फेंकें। अगर आपके पास बड़ी बाइक है और टायर इस तरह से नहीं हो रहा, तो आप जो है ना, हाँ, अपने बड़ी बाइक का स्टैंड यूज करके, बड़ी बाइक का स्टैंड यूज करके आप इसको डीप कर सकते। यस, ठीक है। यस, ये बड़ी बाइक हमने इसीलिए मंगवाई, इसका और कोई मकसद नहीं। आज की वीडियो में इतना सा इसने आना था। ये अब 250 जो बड़ा टायर है हमारा, पीछे वाला भी सपोज वो बहुत भारी होता है, जब आप 100 या 110 लगा लेते हैं, 120 फिर तो बहुत ही, तो उसको खोलने के लिए ये तरीका अच्छा है। हाँ, और खास तौर पर ट्यूबलेस टायर जो होते हैं ना, जो ट्यूबलेस टायर होते हैं, जिस तरह ये वाला ट्यूबलेस टायर भी इस बड़ी बाइक में, हाँ, तो ये इस तरह से नीचे नहीं जाता, इसके अंदर लॉक लगा होता है यहाँ पर। अच्छा, टायर को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपके खड़े होने से नहीं उतरेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था, मुझे था सिर्फ कि टायर मोटा होता है इसलिए। नहीं, वो TNT25 का टायर कभी भी खड़े होके नहीं उतरेगा, वो स्टैंड से ही प्रेस करके उतारेंगे, वरना लीवर डालते रहेंगे कभी नहीं उतरेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। पहले आप ये काम करेंगे, उसको डी बीट करेंगे, जब उसकी बीट अलहदा हो जाएगी फिर आप लीवर डाल के निकालेंगे, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। ये लीवर पकड़ाइए, इसमें लीवर कट लगने का बहुत चांस होता है, कि जब आप लीवर डालते हैं बीच में ट्यूब आ जाती है। हाँ, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना, पहले आपने ये वाला लेना है, इसको आपने बाहर की तरफ निकालना है, इसको पहले आप डालेंगे, उंगली साथ रखें और देखें कि ट्यूब तो नहीं बीच में आ रही। इसको यहाँ पे डिस्क के अंदर लॉक कर दें, ये लॉक हो गए। ठीक है, आप थोड़ी सी दूर जाके आप एक और दफ़ा इसको डालें, ये बड़ा मसला होता है वैसे कि ये रुकता नहीं है, तो ये अच्छा तरीका आपने बताया कि इसको आप यहाँ फंसा लें। अरे वाह, वो रुकता नहीं है, बल्कि आपको लग के मुंह भी आके लग सकता है।
हाँ हाँ ऐसे ही डेंजरस हो सकता है। वक्ती लगा देना फटाफट, यहाँ पे हम दिहाड़ी लगा के सूरज ग्रहण के दिहाड़ी लगा के निकल सूरज ग्रहण का खसूसी पैकेज वीडियो ही बनेगी ये मैंने इसको ट्यूब को ओके अंदर से वॉल वाली जगह से खींचा और ये ट्यूब आ गई, ट्यूब आ इजीली बाहर निकल आई। ये ट्यूब तो बिल्कुल साफ है, टायर नया था। ये वो एक ही पंक्चर लगा हुआ है, ये वो एक ही हमारी हाँ खुआरी वाला यादगार। अरे वाह भाई जलालत प्रोग्राम फुल टाइम। कांटा लगा था ना? कांटा लगा था। बैड न्यूज़? हाँ कोई रास्ता नहीं है। बैड न्यूज़ हमारी तरफ से कि अगला टायर पंक्चर हो गया यार, बढ़ गए। अच्छा ऐसे निकालेंगे? इसको हम थोड़ा सा रास्ता निकाल लेते हैं। खेचूंगा इस तरफ नहीं। हाँ ये भी है। खेचूंगा एक मिनट। अच्छा वैसे एक ही बंदे को करना चाहिए है ना? हाँ। क्योंकि अकेले को अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ देने को नहीं होगा। वेरी नाइस। इसे कपड़े साफ कर लेते हैं। रैलको का टायर पड़ा हुआ आगे लगा लें। ये ठीक है। इसको टायर को आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, ट्यूब डालने के लिए। यहाँ से मैंने ट्यूब निकाली है, वहीं से आप दोबारा डाल लें। लेकिन मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो डिबरी और जंग टाइप की चीज़ नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा नई ट्यूब डालने से पहले ज़रा इस जगह को साफ कर लें। ये स्टेप जो है ऑप्शनल है। यस ओके। लेकिन आपको ये भी साफ लगा? अभी साफ है ये जी, अभी साफ है। हाँ। सिर्फ ये वाली जगह खराब है, बाकी ठीक है, साफ है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेला टाइम है तो हमने इसको खोल लिया पूरे को। आपने टायर को नहीं उतारना, ट्यूब निकाली, बाहर निकाली, ट्यूब डाली डाली और बंद कर दी। तो हम कर लेते हैं इसको। अब हम कपड़ा पकड़ेंगे और साफ कर लेते हैं जी। आप प्रेस करनी, मैंने कहा जब ये इतना टायर खोला है ना आपने अगला तो उसमें अगली ब्रेक नहीं प्रेस करनी, तो उसके जो आगे डिस्क के पैड हैं वो आपस जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ जाएंगे। हाँ वो भी बड़ा मुश्किल होता है उनको अलग-अलग। अक्सर लोग कर देते हैं, कोई कोई बच्चा दबा देता है। अगली ब्रेक नहीं दबाने, तो अगर मैं अगली ब्रेक दबा दूंगा अभी तो अभी दबाएंगे ना। ये तो ये वाले दो पैड्स हैं ना, ये वाले पैड्स हैं। हाँ। उस वक्त अभी ये डिस्क इसके दरमियान जाने ही लगाते हुए। हाँ जी। वो बंद हो जाएगी रास्ता और ये डिस्क इसके बीच में नहीं जाएगी। तो वो खुलेंगे कैसे फिर? लास्ट बीच में यानी पेचकस से इसको दोबारा लीवर अच्छा पुश करना पड़ेगा। ओके। हाँ बहुत गर्मी हो गई है और सूरज ग्रहण लगना, सूरज ग्रहण लगने वाला है 8:51 हो गए और 9:26 था, 9:35-36 पे सूरज ग्रहण लगेगा और सूरज जो है ना वो ऊपर है भाई। मैं तो नहीं देख रहा सूरज को। असल में टायर की एंड हुई बड़ी ना करें भाई, क्या हो गया? किस डेट का टायर है? हाँ ये कब करवाया हमने चेंज? लास्ट ईयर रमजान साल से 1.5 साल तक आ जाते हैं रमजान इस बारे। और ये बना हुआ है 18 के 5वें महीने का, तो 2 साल का होगा ये टायर। हाँ। तो अब आप क्या कहते हैं? नहीं फिलहाल तो चलेगा, चलेगा मर्जी होगी। ये क्रैक आया हुआ है ये। हाँ ये चले आप इस पर लगाते हुए इसकी डायरेक्शन देखनी है टायर की, कि ये इस तरह घूमता है। ये जो एरो है हाँ, ये इधर है, इधर है, तो ये डिस्क की तरफ होना चाहिए। डिस्क तो उधर लगनी है ना, डिस्क तो उधर आनी है। हाँ ये किस तरफ होना चाहिए? अरे ये ऐसे होगा। एरो जो है वो ऐसे घूम रहा है ना इजाज़ भाई, इस तरफ एरो है ना? एरो इस तरफ है ना फिलहाल? हाँ उस तरफ है। जब उसको यूं करेंगे तो अब एरो किधर है? हाँ इस तरफ है। हाँ। ठीक है इस तरफ है। ओके वो छोटी सी बनेगी
कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं क्या? जी ख़त्म बस अभी हम सबक सीखे। अच्छा अच्छा देखिए ग्राहक आएंगे इजाज़ भाई को देख के। हाँ वो बच्चे ना जिनको अब्बा जी कहते हैं मैट्रिक का नंबर ना है तो पैसे भी रुका। क्लासेस ले रहे हैं अभी। वैसे अच्छा है आप बता सकते हैं इधर क्लासरूम चल रहा है, टेक्निकल चीज़ें सिखा रही है, स्टूडेंट ना बैठे हैं जो बेस्ट जो है बस इधर पे डाल दें। मैं एजाज भाई से दूर हट गया हूँ ताकि एजाज भाई अपना काम कर लें। ही वैसे आप फ़ोटो लेंगे एक हमारी ऐसे काम करते हुए की थंबनेल? हाँ जी वो भेज दीजिएगा, वो थंबनेल अगर बन सका तो। टायर पकड़ेगा जरा ये वाला ये। हाँ इसको हम रख लेते हैं डिस्क को बचाने के लिए। यस दूसरी डायरेक्शन से देखिए। ये तो पूरी शॉप बन गई है एजाज भाई। अब वो टायर और ट्यूब पकड़े नहीं वाली है, इसको थोड़ा सा हम इन्फ्लेट कर लें पहले कर लेते हैं वरना ये डालते हुए तंग करेगी। और ये एक छोटी सी टिप ये है कि आप जब भी टूर पे जाने लगें तो एक एक्स्ट्रा ट्यूब कैरी कर लें आप अपने साथ, और जाने से पहले उस ट्यूब को चेक कर लें कि वो कहीं पंक्चर तो नहीं है। ये ना हो कि इस वक्त ज़रूरत आप देखें और ट्यूब पंक्चर हो। अच्छा इसको पहले डालते हैं या पहले इसको डाल देंगे ना वो चली जाएगी। इसके बैरिंग्स की क्या सिचुएशन है वैसे? सही लग रही है। सही लग रहे हैं। कितने लग गए? 5,500 रुपए। क्या चेंज करवाया था? इंजन ऑयल? इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। 5,500 रुपए में सिर्फ ये हुआ? और रखो बड़ी बाइक। इसमें हल्का सा नट लगा लें यहीं पे, इस पे वो ग्लू सी लगी हुई है जो उसके अंदर भरी हुई है। नजर आ रही है? ये बहुत सुना था मैंने, वो फेसबुक पे आता था इधर उधर ना। हाँ कई सालों से चल रहा है। एग्जैक्टली कभी ना होगी पंक्चर और ये। हाँ। और वो कहानियां पता नहीं क्या, मैं सोचा करता था पता नहीं क्या चीज़ है, तो अब एजाज भाई की वजह से फाइनली ये टेस्ट होने लगा। वैसे मजा तो ये है एजाज भाई कि हमने इसको पंक्चर करके देखे। ये कितने की ट्यूब है? 300। एक ट्यूब और मंगवाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। टायर में लगा के टेस्ट होगी ना? नहीं उसको खोलेंगे टायर में लगा के। क्यों? हम उसे खोलेंगे, हवा ट्यूब निकालेंगे, हवा भरेंगे और उसको पंक्चर करेंगे। सेम ही नहीं है? नहीं इसमें से पंक्चर होना उसमें डायरेक्ट पंक्चर होना फर्क हो रही होती ना, तो फिर हमें टायर में भी आप कह रहे हैं सुराख ठोकना पड़ेगा। वो रैल्को का टायर जो है पड़ा हुआ मेरे पास, उसमें डाल के ले कर लेंगे ना। चलो ये भी सही हो गया, ये फिर करते हैं। फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फॉर वीडियो। हाँ अभी हो गया जी। अच्छा अब आपने ना बताना है टायर बंद कर रहे हैं ना जब जी, तो वो भी शुरू करें बंद नहीं होता कुछ लोगों से। सही ठीक है, यानी कि मुझसे मैं भी कितना परफेक्ट नहीं हूँ उसमें। मैंने भी बस बेटर देन मैनी। ये यहाँ से पहले हमने यहाँ से बंद करना है। हाँ। नोजल से जी, नहीं तो नोजल पे प्रेशर आ सकता है तो वो टूट फट सकती है। इजी हो जाए, वो रंग उतरने का इशू नहीं है। जितना पुराना रिम हो गया ना, जोर लग रहा है फुल टाइम। अरे वाह
ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, इसमें ज़रा टेक्निक जान चाहिए होती है। तो अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो टूर पे जाने से पहले आप प्रैक्टिस करके जाएं। ये ऑलमोस्ट दो वीडियोस बन गई हैं, इसमें पंक्चर भी लगाना कैसे है ना जासबी। इधर से पाँव रखना चाहिए क्या कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है ये, बस हो गया। हाँ ये वाला आसान है, आखिरी वाला। चलो फाइनली सबसे मुश्किल काम यह पंक्चर लगाना, इज़ नो बिग डील। आपने उसको स्क्रैच रगड़ना मगड़ना होता है, ट्यूब लगानी, पंक्चर लगाना, ठोकना, ट्यूब टायर खोलना और टायर बंद करना इज़ मेजर थिंग। तो थोड़ा सा इंजरी का चांस भी होता है। हाँ हाँ हाँ, एहतियात से ग्लव्स वगैरह भी यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। हवा बढ़ते हैं। ये जो है ये सुपर फ्यूचरिस्ट फ्यूचर से आई हुई बाइक के साथ हम अब हवा भरेंगे इसमें। बस चलाया नहीं था उसको, बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। इजाज़ भाई शुरू कर दिया अपने हवा भरने? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही ना। मैंने कहा क्या हो गया, साइलेंट हो गया क्या? इसकी तो अच्छी खासी आवाज़ होती है। अरे वाह, ये तो क्या भाई, अभी डील कर लो। मैच कर गया यार ये तो LS2। हाँ ज़ालिम इंसान। ओए ओए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये वाइब्रेशन भी इसमें साथ ही आती है क्या? ये एयर पंप कितने का लिया आपने? 500। कहाँ से? 500 का, ऑनलाइन दराज से, दराज अली एक्सप्रेस कहीं भी। एयर पंप आप लिखेंगे, USB पोर्ट के साथ है ये। ये वो सिगरेट लाइटर वाली है, सिगरेट लाइटर वाली 300 PSI। हाँ ये ऐसी लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता, होता कुछ नहीं है ऐसा, ड्रामेबाजी ऐसे। फिर भी अच्छी चीज़ है बाइक के लिए, बहुत बेहतर है यार ये, अच्छा है। हाँ कॉम्पैक्ट है यार, सबसे बड़ी बात। थोड़ा टाइम लगता है हवा भरने में बस, लेकिन लेकिन आपकी एग्जर्शन नहीं लगती, आप साइड पे बैठने पानी खाने पिए इसे लगा। इवन वो GS 1200 जो है ना, ऊंचाई भी होती है जहां पे आपको इससे कुछ भी नहीं हो रहा, तो वहां पे आप ये अपनी साइड पे बैठे तो साथ में। वो देखो भाई फोटो शूट चलने लग गया। मैं आता हूँ आपकी, मैं जो है ना तस्वीर एक दफा बना दूँ, बच्चों की तस्वीरें बना लें जरा। रेडी? अच्छा एजाज भाई अभी तक हवा भर रहे हैं, लगा हुआ ये, और ये कोई इनको इन्होंने कोई नया सेटअप भी निकाल लिया। टिशू 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 हाय हाय टिशू, हवा भर जाए एक दफ़ा। उतनी देर मैं ना ज़रा कैमरा नीचे रख दूँ, बस हो गई मेरी, मुंह धो लूँ, पानी पी लूँ, बहुत ही ज़्यादा ख्वारी शुरू हो गई। हवा चेक कर लें भाई आगे, हवा चेक कर लें क्या? ओके इसमें हम कितनी करेंगे? आगे वाला है 26। 30 से ऊपर उन्होंने कहा है कि नहीं करनी ट्यूब में, 26 वैसे नहीं होती, आगे वाला 26 होती है। हाँ 26 रखें बस, सही है। ये आप जो है ना, हम लोग इतनी रखते हैं मेंटेन, नॉर्मली आप 125 में चेक करेंगे तो आगे 35 होती हैं और पीछे बहुत 40 भर देते हैं भाई, भर देते हैं लोग हवा भरने वाले 40। वो कोई कमेंट में पूछ रहा था हवा का, पता नहीं 40 होती है कि 45 होती है, मैंने हाँ 26 हो गई थी, 26.6 मुझे इतना पता नहीं, मैं तो मैनुअली भरता हूँ, दबा के देखता हूँ ना, ठीक है, लेकिन 40 तो बिल्कुल नहीं है। 40 कभी आप चेक कीजिएगा जब आप जाते हैं ना टायरों पंचर वालों के पास, तो आप कोशिश करेंगे नॉर्मल पंप यानी नॉर्मल जो मशीन है जिसमें गेज नहीं होती उससे हवा भरेंगे, क्योंकि उनको उनको पता होता है कि हवा इसमें ज़्यादा भरनी है। अगर आपने उनका जो एक मीटर लगा होता है जिसमें जो उनका डिजिटल मीटर वाली होती है पंप, उससे आप भरेंगे तो वो नहीं भरने देंगे, वो उसमें 30 होती है क्योंकि गाड़ियों में 30 भरते हैं,
जब आप उनसे कहेंगे ना अभी 30 भरनी, फिर वो भरने देते हैं आपको, वो नोट समझते हैं कि हवा ज्यादा भरनी है। ये भी अच्छा जो आपने ना आहो बता दिया, एक आहो स्क्रीन पकड़ लिया, मैं सीधा करूं और इसके डिस्क के दरमियान ना जो है ना पैड के दरमियान डिस्क करनी है मैंने। ओके बड़ा इजी है ये इसको लगाना, है ना, कोई मसला तो नहीं ज़्यादा। अच्छा देखें आप एक्सल की क्वालिटी चेक करें कि एक्सल में मेरे ख्याल माइनर सभी कोई फर्क नहीं है। अगर इस पर टायर पकड़ेगा डाल यहाँ से थोड़ा सा, खड़पेंचा इसके अंदर डाल दिया हमने, खड़पेंचा फाइनल टचेस जो है ना वो दिए जा रहे हैं। अब इसको जरा देखिए स्पीडोमीटर काम कर रहा है, मेरी बाइक ऑफ कर। यस कर रहा है, यस कर रहा है, टायर घुमा के देख लिया स्पीडोमीटर काम कर रहा है। और इसका जो है वो हमने कुछ निकाला तो नहीं था, लेकिन इसको इस सब को हमने उतारा है ना, इसको बस सिर्फ इसको यूं उतार के साइड पर लटका दिया बस, और इसको लगा दिया कुछ ऐसा वैसा। इतना बड़ी हब थोड़ी खोलनी है, ये छोटा सा इसका एक वो बाहर आ जाता है। अगर फिर से भी हमने पूछना है कि जी जी 17 की उधर लगा ली, हाँ जी वही वाला प्रोसेस अब हम रिपीट्स करेंगे। अब ये पंक्चर नहीं होना चाहिए है ना जी, तो क्या चलें क्लेम के मुताबिक चलें उधर, नहीं उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? मैं इधर से दो चार की ढूंढ के लाता हूँ। मैं आपके उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं उसका तो ख्याल गलत है ना, क्योंकि टेस्ट तो इस पे करना है। नहीं उसको भी कर लेते हैं लगे हाथों, नहीं आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसमें लगा हुआ ऑलरेडी कील और बाइक अभी अपनी हालत में खड़ी हुई है, कील लगा हुआ। हाँ लेकिन वो करवा लो चेंज, वो अनएक्सपेक्टेड टाइम पे ना हवा निकाल देता है, फिर जैसे रालको के साथ हुआ था उसमें कील लगा रहने दिया था मैंने, फिर वो मुल्तान जा के पंक्चर हो गया। लेकिन चलाते हैं लोग है ना, ये बड़ा मिक्स सही इसमें है। अपनी गाड़ी में ना डाला था टायर चेंज, आप ये वाला लगा दो या वॉल रिमूवर वाला लगा दो? आप वो वाला लगाएं जो स्टॉक है इसका, इसको रहने देते हैं, इसका सेल खत्म हुआ है। ये लाइटें नुकसान ये है कि अगर कल को आपने हवा कम भी करनी हो या खोलना हो तो आप खोल नहीं सकते वॉल, नहीं खोल सकते इससे, खोल सकते इसमें भी खोल सकते। अच्छा नहीं हाँ खोल सकते हैं। और बाइक इज रेडी, वेरी गुड। ज़्यादा ये क्या देखने वाले, सॉरी ये वो मल्टी टूल है। अच्छा यानी प्लास के तौर पे आप काम कर रहे हैं इसको, यानी आप कैंपिंग के लिए अच्छा ना, कैंपिंग के लिए है, गिफ्ट कर दे मुझे हैं। नहीं ये रशिया से उन्होंने मंगवाया, नहीं नहीं ये भी ऑनलाइन दराज से लिया हुआ, उसमें छोटा मोटा कॉम्पैक्ट टूल है। हाँ जी बस कंक्लूड हो गया क्या काम? यस ये वाला हो गया काम। बड़ा आपकी बाइक 26 पे अगला टायर की प्रेशर है, ठीक है तो जो स्टॉक होता है। अब जरा अवैध भाई जरा आगे से आके जरा ब्रेक दबा के चेक करिएगा प्रेशर ठीक है पीछे से ला के, ये ना हो कि चलाएं तो फिर प्रेशर ना बने ब्रेक का। हाँ फ्यूल अभी वो ऑयल का होगा कुछ, हाँ देगा नहीं। अच्छा आपने क्या ये क्यों हुआ था ऐसा? ये जब हमने डिस्क निकाली थी ना तो वो उसका प्रेशर लूज हो गया था, हमने जब उसको हिला के निकाला ना तो दूर हो गया, तो वो एक दफ़ा पंप में वो दोबारा, असल में जो लोग कहते हैं ना हमारे डिस्क से आवाज़ आ रही चलते हुए, तो ये बिल्कुल डिस्क पैड्स और डिस्क जो है ना बिल्कुल साथ जुड़ के चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है सिर्फ प्रेस नहीं हो रही थी लेकिन साथ रगड़ खा रही होती है। अच्छा हल्की सी जैसे हाँ। आप प्रेस करते हैं हल्का सा भी तो वो साथ ही उसको ग्रिप कर लेती है, तो जब हमने निकाला तो वो थोड़ी सी दूर हो गई और जब इसने प्रेस किया तो वो उस फासले को कवर करने में उसको वो टाइम लगा। अच्छा और अगले पंप के ऊपर वो पूरा उसने फासला तय कर लिया। बस हम नॉर्मल कंडीशन में आ गए, बाइक इज फुली रेडी, दिस इज इट। काम हमने कुछ और भी करने हैं इधर, लेकिन सबका एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग वीडियो अदरवाइज,
हम इस वीडियो को जल्दी ख़त्म कर देंगे। 302 पर का ऑयल ये चेन वगैरह का कुछ है काम, तो वो आप बाद वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस पे काम करते हैं और उसको भी हमने शूट करना है। क्या कर रहा हूँ मैं इजाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर ही शुक्रिया बोल रहा हूँ आपको, वैसे कैमरे का कि मैं नहीं लेके आ रहा। अब मैं ये ट्यूब टेस्ट करूँगा कि क्या होता है इस ट्यूब का, क्राउन का है। ये टीवी पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल चल रही थी, और अगर ये अच्छी हुई तो हम आपको बताएंगे कि आप इस्तेमाल कर लें, अगर ये अच्छी नहीं हुई तो हम आपको बताएंगे कि इसको फारिग करवा दें। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी वन। सी यू।